ओ यार जितेंद्र दरवाजा बंद करती है। जैसी मेरे फिर डन करते हैं ना। हाँ डन करो ना फिर। पीछे से ऐसे कुछ आवाज सुनाई दे ना। ये वाली सॉरी, ये जो डलेगी ना वीडियो जो अभी मैं बना रही हूँ, ये मेरी 100 वीडियो हो जाएंगी। देखो निकले हुए हैं दवाई लेने के लिए और इनको दिख रहा है पंकज चाट भंडार। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी ठीक हैं। बस थोड़ा ये कोल्ड वोल्ड है, चलता रहता है सर्दियों में। और आज है मंडे। पता नहीं क्यों यार मंडे ना हमारे माइंड में ना या तो ऐसा हो रखा है कि बस मंडे हमें पसंद नहीं है क्योंकि संडे छुट्टी होती है। अगर थोड़ा ऐसे आगे पीछे हो जाए ना तो उससे जो भी नेक्स्ट डे आएगा ना छुट्टी से नेक्स्ट डे वो उसको बुरा ही लगेगा। तो मंडे बेचारा इसीलिए थोड़ा बदनाम है। तो बस ऐसा ही है मेरे को भी। मतलब अगर हमें जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना तो सैटरडे तो बहुत अच्छा लगता है, फ्राइडे भी बहुत अच्छा लगता है, पर संडे से ना ऐसे थोड़ी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। और मंडे को तो बहुत ही ऐसे होता है कि हाय क्यों आ गया ये मंडे ऐसा वाला। चलो कोई नहीं, ये तो हर हफ्ते आएगा। तो अभी ऐसे है कि थोड़ा लेट हुआ आज, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी और कुछ दिन में क्या क्या होता है वो आपको बाद में दिखाती रहूँगी साथ साथ में। तो अभी तो पहले काम शुरू करते हैं अपना। इतना सेल्फिश है, हैं इतना सेल्फिश है। मैं अपने लिए पानी लगा के आई थी अंदर गर्म, तो अभी जस्ट पूछा मैंने कि जितेंद्र पानी क्या, तो मैंने पी लिया है। बजू क्या बोल रही है ये, तू सेल्फिश है? आप सेल्फिश हो, बजू तो है ही है, ये महा सेल्फिश है। आप सेल्फिश हो, ये महा सेल्फिश। क्या बात, ये हम इसको उगाते नहीं है, इसमें खुद ही बीज झड़ जाते हैं, ये खुद ही उगाती है। थैंक्स सेल्फिश जितेंद्र। जितेंद्र दरवाजा बंद करती है, खोलो। अब और स्लो उठेंगे। खोलो खोलो खोलो। हैं बैठ के थैंक्स। डिस्गस्टिंग। अभी चाय लो, अपनी चाय ठंडी हो रही है। मैं सोचता हूँ कि मंगवा लेता हूँ। हमने अभी लंच किया है और चाय, बस सुना कि चाय बन रही है तो बस हम भी साथ में हो लिए, अभी हमें भी पीनी है। जितेंद्र आपको इसलिए थोड़ा ऐसे मुंह लटका हुआ दिख रहा है क्योंकि वही हीटर वाली चीज़ आजकल वही चल रहा है जितेंद्र के दिमाग में। अब दोबारा किसी को बोला बट फिर वही बात है। मैं कह रही हूँ यार छोड़ दो, रहने दो, अभी बाद में कभी ले लेंगे, क्योंकि यहीं कहीं मिल रहा होता तो बंदा जाके देख सकता है, थोड़ी तसल्ली होती है, चाहे पैसे फिर लग जाएं थोड़े ज़्यादा, बट आप मंगवाओगे उसको चाइना से। खुद ले आएंगे चाइना जाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रिप चाइना। जगह तो बता दो। जगह पता भी नहीं चलेगी तुझे, मोरी जगह है। मोरी? और कहाँ है ये? उत्तराखंड। बस ये जगह देख देख के तो हो जाते हैं। ये देखो ये है कैंप, ये राफ्टिंग, ये नदी, इसमें तो सब कुछ है, फुल पैकेज है ना। हाँ ये कैंप है, ये नदी के इन टेंटों में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, ठंड पता कितनी लगती है। अरे यार अच्छा राफ्टिंग तो करोगे नहीं आप। जगह अब डिसाइड होने पे आ गया, अब हम दिमाग खराब करेंगे एक दो दिन इस पे, जबकि यार ऐसे फटाक से ये ऐसे लगता है छुट्टी क्यों आ जाती है यार। मैं तो ऐसे चाह रही हूँ, मतलब लिटरली ऐसे चाह रही हूँ कि कहीं गर्म जगह जाना। मैं जितेंद्र को कह रही हूँ कि भाई जैसलमेर चलते हैं, पर जैसलमेर का यहाँ से गर्म नहीं है जैसलमेर। हाँ वो भी बात है कि गर्म नहीं, जितना टेम्परेचर इधर है ना बस 2-3 डिग्री का ही फर्क होगा, उधर की थोड़ा ज्यादा होगा। दिन में हो जाती है गर्मी वहाँ पे, पर रात दिन का भी उतना ही दिखा रहे जितना इधर का है, 3 डिग्री का फर्क है। तो पर देखने में तो बड़ा सुंदर, जाएंगे तो सही कभी। और ऐसे है कि भी दूर भी बहुत है इधर से, मतलब कम से कम 15 घंटे लगेंगे, तो एक दिन में 15 घंटे ड्राइव करना इज नॉट सो ईजी है ना। बट जो मेरा मन ऐसे है ना वो भी जैसलमेर ही है। जैसलमेर फिर डन करते हैं ना। हाँ डन करो ना फिर।
डन करो फिर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, फिर दिमाग नहीं खराब करना इतना। हाँ वही है ना, फिर डन करो, कोई नहीं कर लेंगे, खींचना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ करेंगे मैनेज फिर। ट्रेन या गाड़ी? गाड़ी में, ट्रेन में। जितेंद्र अपनी गाड़ी में छोड़ता। कल पता क्या ढूंढ रहे थे, कल देख रहे थे कि कौन सी जगह है जहाँ पे हम बाय रोड जा सकते हैं, कंट्रीज। 14 कंट्रीज ढूंढी है उनमें से कि जहाँ बाय कार जाएंगे। तो मैं इस चीज में जितेंद्र के बिल्कुल साथ नहीं, मतलब किसी और कंट्री में जाना वो भी बाय रोड जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, पर बस सोने की जगह बना दें उसमें गाड़ी में। लोंगे वाला भी देख के आए। लोंगे वाला? बॉर्डर मूवी नहीं देखी तूने? नहीं, हाँ मतलब देखी है पर ये नहीं याद मेरे को लोंगे वाला। नहीं तो लोंगे वाला पोस्टी तो थी वो। अच्छा, जो जो उदयपुर है वो किधर? क्योंकि उदयपुर का भी 13 घंटे का रास्ता बता रहा था और जैसलमेर का 15, तो आसपास नहीं है? नहीं उदयपुर ये है। ओ ये तो बहुत अलग है। हाँ ये अलग है। गर्म पानी लेते हैं साथ में और करते हैं काम। तो अब अच्छा अच्छा सा लगता है यार, थोड़ा बाहर देख के ना बड़ा आंखों को सुकून मिलता है, नहीं तो बहुत हाल खराब थे। अरे यार अब माउस कहाँ चला गया इसका? जितेंद्र को बोलती हूँ, जितेंद्र लैपटॉप का माउस दोगे कहीं से? थैंक्स बड़ी। कॉल चल रही है जितेंद्र के साथ में। बातों ने तेरी जादू किया, तू मेरा जिया, माने ना ये पगला है, समझाने से समझे ना। जितेंद्र, जब जितेंद्र को बोलते हैं ना आवाज लगाओ तब तो ये सुनते नहीं, आपने देखा ही होगा। और ऐसे चाहे मैं आपस में बात कर रही होंगी ना तो वो भी सुनाई दे रहा होगा, है ना? कहना मैंने सब सुनता है। अच्छा हम ना एक व्लॉग करेंगे, ये ना फोन थोड़ा हिल रहा है, मैंने जिस स्टिक के ऊपर लगाया वो थोड़ी अनस्टेबल सी है। तो हाँ हम एक व्लॉग बनाएंगे, मैंने ऐसा सोचा है, मेरे माइंड में है। तो उस दिन ना वो व्लॉग पूरा ऐसा पंजाबी पे रहेगा, मतलब उस दिन मैं सिर्फ पंजाबी बोलूँगी, कोशिश करूँगी, और उसके अलावा कोई बीच में और कोई लैंग्वेज नहीं। तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि आप चाहते हो कि मैं ऐसा व्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं सिर्फ पंजाबी बोलूँ, अगर हाँ तो कमेंट्स में बताना। और मेरे को मतलब आगे थोड़े बहुत कमेंट्स तो मैं पक्का बनाऊंगी, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ऑब्वियसली तभी बनाऊंगा, ऐसे तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो कमेंट जरूर करना। जितेंद्र आपका बोलना जरूरी है? मैं मतलब अपना बोल भी नहीं सकती हूं, अभी दूसरे कमरे में बैठे हैं बाहर हॉल में, फिर भी मैं कल से अपना दरवाजा बंद करके बैठूंगी। ये उबासियां क्यों आ रही हैं आपकी? अब कुछ नहीं बोलोगे? नो नो इग्नोर करो गाइस जितेंद्र को, पीछे से ऐसे कुछ आवाज सुनाई दे ना तो जस्ट इग्नोर। जितेंद्र गिव मी सम वाटर। हेलो पानी दे दो, पानी। मैंने और जितेंद्र ने ना बाहर बैठ के अभी जब थोड़ी देर पहले डिसाइड कर रहे थे जगह का, हमने जगह डिसाइड कर लिया है। अच्छा है ना, करी है? हाँ हो ही गई है, मैंने तेरे को बोला तो है सारी डिटेल्स निकालने को। हाँ क्योंकि जितेंद्र को और हमें ऐसे था यार, मतलब थोड़ी ऐसी गर्म सी जगह में जाए, तो हमने जगह चूज करी है जैसलमेर। हम जैसलमेर जा रहे हैं, मतलब ऐसे अंदर से ना खुद को बोल दो दो चार बारे ना, फिर खुद को लगने लग जाता है कि हाँ भाई जा रहे हैं। तो आज है 16, पूरे 10 दिन बाद। ये थोड़ा दूर है तो मतलब ऐसे जाने का उसकी टेंशन नहीं है। वो जितेंद्र जिंदाबाद। अगर वेदर क्लियर है, हमें विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, देन फिर कोई इशू। जैसलमेर में तो धुंधनी पड़ती होगी। अरे कुछ पता नहीं मेरे को, जैसलमेर में नहीं होगी, यहाँ तो होगी, हरियाणा में तो होगी, दिल्ली तो होगी, दिल्ली तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना।
आज मेरा 99th व्लॉग है, मतलब वीडियो है ये आएगी, और कल जो आएगी मतलब ये वाली, सॉरी ये जो डलेगी ना वीडियो जो अभी मैं बना रही हूँ, ये मेरी 100 वीडियो हो जाएंगी टोटल। मेरे को जितेंद्र कह रहे थे कि तू बताना ऐसे ऐसे कि तेरी ऐसे 100 वीडियो हो गया, मैं यार शर्म नहीं आएगी, 100 वीडियोज हो गई और मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं अभी तक, पर नॉट बैड, मेरे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं एंड आई एम हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं है कोई। हाँ बस आप थोड़ा सपोर्ट करते रहना और वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। पंकज चाट भंडार देखे निकले हुए हैं दवाई लेने के लिए, और इनको दिख रहा है पंकज चाट भंडार, खिलाती हूँ आपको टिक्की, तू खा ले, टेस्ट तो कर ले। जी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बंदा फेमस हो जाएगा। हा, हा, हा। कौन मैं ये टिक्की वाला। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, और भाई साहब मैं और जितेंद्र अभी गए थे बाहर, जितेंद्र का कोल्ड ठीक होने की बजाय और बिगड़ गया है, तो हम दवाई लेके आई ही पास में था, तो हमने सोचा चलो पैदल पैदल चले जाते हैं, और भाई सड़क पे क्या पी पी पापा, मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है इस सड़क पे, नॉर्मल ट्रैफिक तो है ही है, ट्रक इतने ज़्यादा चलते और ऐसे देख के चलना पड़ता है रात के टाइम पे तो स्पेशली, और अभी दवाई लेके आए वापस सांस फूल गई, और ऐसे लग रहा है ना, मैं चल रही थी ना तो मेरे को ऐसे लग रहा था मेरे पैरों में ना ऐसे इचिंग हो रही है, तो बैडमिंटन खेलने का भी हमने प्रण लिया है, शुरू पता नहीं कब से होता है पर करेंगे। ये क्या, ये जूसी, जूसी तो करेंगे ये, और करेंगे भी सुबह मस्त बैडमिंटन खेलेंगे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यार चलने की आदत ही नहीं रही है इतना। अभी ना मैं जितेंद्र को पूछूंगी जाके कि हमने थोड़े टाइम पहले ही चाय पी थी, तो चाय रहने देते हैं फिर रिएक्शन देखते हैं। जितेंद्र चाय पीनी है, हमने थोड़े टाइम पहले तो पी थी, चाय तो पीनी है यार। ये क्या बात हुई, चाय नहीं मैं छोड़ सकता। देखो ये दाग दिख रहा है बीच में पड़ा हुआ, ये ऐसा लग रहा है ऐसे गम जैसा है कुछ, ये इधर से देखो। कौन सा वाला? अरे ये जो कैपेसिटर के साथ ये ब्राउन सा लगा हुआ कॉफी जैसा, ये वाला जो हाँ। ठीक है, तो ये कैपेसिटर लीक हुआ है। अच्छा, और ये देखो इस कैपेसिटर हाँ, ये, वाला ये भी है ठीक है हाँ। तो ये भी लीक हुआ है, तो ये हाँ ये ठीक दिखा रहा है वैल्यू, लेकिन जब चलते हैं ये करंट पास होता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो ये चीज होती है। आज के लिए इतना ही नॉलेज, अब हम बनाते हैं चाय बनाना नहीं यार सबसे बोरिंग काम लगता है, मैं कह रही हूँ, और ऊपर से ये जब बर्तन धोना पड़ता तो ये और भी बुरा काम है। चलो गाइस फिर हम मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, अभी मेरे को बहुत ही भयंकर सा काम पड़ गया और मैं होगी इरिटेटेड। जितेंद्र प्लीज यार बंद करो अपना एक मिनट के लिए, आई एम ऑलरेडी वेरी इरिटेटेड। ये अपने लगे हुआ मल्टीमीटर और इसके साथ शलगम डाले थे कुकर में बॉयल करने के लिए, और दो बारी मतलब कैन यू इमेजिन, मैं एक बार पूरा साफ करके आई उसके बाद में आराम से बैठ के कम कर दिया था मैंने इंडक्शन बिल्कुल लो पे, तो सही था। अब बिल्कुल ही एंड वाले टाइम पर फिर से निकल गए और मैंने पूरा दो बारी साफ किया किचन। तो चलो यार इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।